हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ गोली इडली। यह बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनती हैं और खाने में भी बहुत बढ़िया लगती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो घी की जगह तेल भी डाल सकते हैं। और अब पानी को उबलने देंगे। पानी में उबाल आ चुका है, इसमें 1 कप चावल का आटा डाल देंगे। गैस की फ्लेम को लो करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे इसे मिक्स करते जाएंगे, यह तले पे थोड़ा चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहें तो नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आटा पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। यह मिक्सचर अच्छे से फूल गया है। अब इस चावल के आटे के मिक्सचर को एक प्लेट पर निकाल लेंगे। अब यह आटा काफ़ी गर्म है, इन्हें धीरे धीरे हाथों से दबाते हुए मसल लेंगे। हाथों की जगह चाहे तो स्पैचुला का इस्तेमाल कर लें और इसे हल्का हल्का मसलते रहें ताकि यह जल्दी ठंडा भी हो जाए। हल्का ठंडा होने के बाद इसे हाथों की मदद से ऐसे दबा दबा कर स्मूथ कर लेंगे। अगर आपका आटा ड्राई हो गया है तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालकर उसे गीला कर लें। आटा अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स में ध्यान रखिएगा क्रैक ना रहे, वो बिल्कुल स्मूथ बनने चाहिए। इन्हें हाथों पर अच्छे से रोल कर लेंगे। ये देखिए, एक बॉल बन गया है और इसी तरह बाकी सारे बॉल्स भी बना लेंगे। आप चाहें तो इन बॉल्स का साइज थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। सारे बॉल्स बना लेने के बाद अब एक बड़ा बर्तन ले लेंगे। उसमें 2 कप पानी डाल देंगे और इसके ऊपर जाली का साँचा रख देंगे। आपके पास जाली वाली प्लेट हो तो आप वो रख दें। और इसके बाद पानी को उबलने देंगे। ये जो जाली वाली प्लेट है, इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब इस पर सारे बॉल्स डाल देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 10 से 12 मिनट बाद ढक्कन को हटा देंगे और इसे भगोने से निकाल लेंगे। बॉल्स अच्छे से पक गए हैं, इनका साइज़ भी थोड़ा बड़ा हो गया है और ये बहुत ही स्पॉन्जी बने हैं और देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। सारे बॉल्स अच्छे से पक गए हैं, अब इसे फटाफट तड़का दे देंगे। पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। 1 टेबल स्पून चना दाल डाल देंगे और अब इसे 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच उड़द दाल डाल देंगे। इसे भी लगातार चलाते हुए 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। ध्यान रखिएगा जो दाल है वो जले ना, इसलिए गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। अब इसमें 2 लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे। इसे एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 30 सेकंड के लिए लगातार चलाते रहेंगे। अब इसमें 2 कटी हुई मिर्च डाल देंगे। 1 चम्मच कटा हुआ अदरक डाल देंगे। थोड़े कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और जो हमारी दाल है वो भी हल्की लाल हो चुकी है। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेने के बाद अब जो इसमें हमने बॉल्स बनाए थे वो डाल देंगे और इसे इस टेम्परिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये टेम्परिंग इन बॉल्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और अब इन्हें ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे, ऊपर से थोड़े से धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ गोली इडली बिल्कुल रेडी है, इसे एक प्लेट पर सर्व कर लेंगे। ये देखिए, यह गोली इडली बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे आप नारियल की चटनी के साथ या लाल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।